सरेराह लड़की के साथ हुई ऐसी हरकत। फेसबुक पर यूं किया लड़के को एक सपोज एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ रास्ते में छेड़छाड़ करना मनचल्ले को महंगा पड़ गया। दरअसल लड़की ने उसके साथ हुई छेड़छाड़ के खिलाफ हिम्मत दिखाते हुए तुरंत वारदात का वीडियो और पुलिस रिपोर्ट की कॉपी सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसमें लड़के का नाम और फोटो भी था। दशअम्बा माता थाना इलाके की रहने वाली जया पहाड़िया लोकायालिज में पड़ती है। उसने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि 19 अक्टूबर दोपहर करीब 1 बजे अपने घर से अपनी किराने की दुकान जा रही थी, तभी शुभम पनवार नाम का लड़का सामने से गाड़ी से आया और उसने जोर से ब्रेक मारते हुए गाड़ी रोकी, जिससे वह गिरती हुई बची। इसके बाद अगले ही दिन फिर से ऐसा ही हुआ और लड़के ने उसे गाली गलौज की। इसके बाद पूजा ने आरोपी के फोटो खींच लिए और वीडियो भी बना लिया। दश पुलिस में रिपोर्ट देने के बाद पूजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की, जिसमें शुभम का फोटो भी था। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए। इस पोस्ट को लाइकल पार्षद ने पढ़ा तो तुरंत स्टेट के होम मिनिस्टर कटारिया को मामले की खबर दी, जिसके बाद मिनिस्टर कटारिया ने पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने आदेश दिए। पुलिस का कहना है कि सुबह लड़की ने रिपोर्ट दी थी, तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और छेड़छाड़ का केस दर्ज किया। भाई दूज पर बयां किया बेटी होने का दर्द सोशल मीडिया पर अपनी आप बीती में लिखा है, सोशल मीडिया पर तो बहुत हल्ला करते हो, अपराधी के खिलाफ बोलने से क्यों डरते हो। आज भाई दूज पर मैं बहुत दुखी हूँ। सोशल मीडिया पर हम बहुत शोर करते हैं कि नारी का सम्मान करो, बेटी बचाओ। क्या लगता है आप लोगों को कि आपके समाज में बेटियां सिर्फ हैं? मैं अपनी बात पर आऊंगी। ये लड़का अम्बा माता हरिजन बस्ती का रहने वाला शुभम पनवार है। इसने बीच सड़क पर मुझे गालियां दी, अपशब्द कहे। मैं इसकी रिपोर्ट अम्बा माता थाने में कर चुकी हूँ, पर अब मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों का चेहरा सामने आए। समाज के लोग तो डरते हैं, कोई इन अपराधी लोगों का नाम तक बताने को तैयार नहीं है। ये अपराधी इतना बेखौफ है कि पुलिस का भी इसे कोई डर नहीं है। दश जया के मुताबिक यहाँ हर दिन लड़कियों के साथ इसी प्रकार से हरकतें होती हैं। युवती की हिम्मत को शहर वासियों ने भी सोशल मीडिया पर जमकर सराहा।